अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियरेस्ट व्यूअर्स व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे। तो दोस्तों, आप तमाम पाकिस्तानी कौम से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मरी का विज़िट ना करें। मरी में अभी हालात बहुत कशीदा हैं, बर्फ़ानी तोदे करने से कई तकरीबन लाखों लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो तकरीबन अब तक की मालूमात के मुताबिक तकरीबन 20-22 लोगों एक्सपायर हो चुके हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उनकी गाड़ियों के शीशे फ्रीज़ हो गए थे और वो हीटर लगा के बैठे हुए थे, तो 20-22 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, ज़िंदगी बहुत ही कीमती सरमाया है जो बार बार नहीं मिलता। तो बर्फ़ फिर भी इंशाल्लाह ज़िंदगी में मौके मिलेंगे, फिर देख लेना अपनी कीमती ज़िंदगियों पर, ज़िंदगियों की कदर कीजिए। तो अल्लाह पाक मरहूमिन को जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम अता फरमाए। बाकी देखने वाले तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग केयर करें, अब मरी जाने से गुरेज कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, फिर बर्फ़ देखने के मौके आप लोगों को मिलेंगे। तो मरी में मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में वहाँ पर अलखदमत फाउंडेशन के नंबर्स भी शेयर करूँ, वो जो लोग वहाँ पे फंसे हुए लोगों की खिदमत के लिए वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, तो वो भी शेयर कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये अरकाम उन लोगों तक पहुँच सकें जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो किस